दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर कुमार बिहार फ्री मीडिया के माध्यम से आप लोग के सामने आज एक डेयरी फार्म का वीडियो सामने लाने जा रहा हूं, जिसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि गाय को क्या खिलाएं क्या करें, उस पर बिल्कुल बात नहीं, सारी बातें सीखने वाली होगी। क्योंकि आज मेरे साथ हैं हमारे गुरु जी, जिनके कारण ही अपना बकरी फार्म के कारण, जैसा कि आप लोग हमें जानते होंगे अधिकांश लोग, कुछ अपना मुकाम पाए। इतना ही नहीं, हमारे सर के कारण ही आज हम एनिमल हेल्थ वर्कर बन पाए हैं। और उन सर का नाम है डॉक्टर दिनेश कुमार महतो, जो कि जहानाबाद कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थापित हैं। तो आज हम उन्हीं के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि गाय पालन क्या वास्तव में फायदा वाला बिजनेस है, ये जानना चाहेंगे। और गाय पालन में मुख्यतः क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ताकि जो किसान अक्सर मेरे पास मैसेज करते हैं कि गाय पालन में फायदा नहीं है या ये समस्या आ रहा है, तो वो इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकते हैं और यदि कुछ अनुभव मिले तो डाइवर्ट नहीं हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आज गाय पालन में उनको नुकसान हो रहा है, वहाँ से फिर डाइवर्ट करके मुर्गी पालन में आ जाते हैं, वहाँ से भी समस्या आता है, फिर वहाँ से डाइवर्ट कर बकरी में आते हैं, इस तरह उनका काफ़ी पूंजी डूब जाता है। तो हम समझते हैं कि आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और काफ़ी जानकारी वाला होगा। तो सबसे पहले सर आपको प्रणाम सर। थैंक यू। आज मेरा सर के साथ पहला इंटरव्यू है, हो सकता है कुछ नर्वस भी हो, नहीं, तो इग्नोर कीजिएगा। कोई बात नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा सर, अधिकांश फार्मर सर, कुछ लोग जो पुराने हैं, नहीं नया जो आ रहे हैं, उसमें से अधिकांश डाइवर्ट कर जा रहे हैं कि गाय पालन में फायदा नहीं है या रेट नहीं मिल रहा है। तो हमारे मन में सर एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि जब रेट नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग उसमें टिके हुए हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा सर क्यों विचार कर देते हैं? तो सर क्या समस्या उनके पास आता है या गलत ब्रीड का सिलेक्शन कर लिए हैं? तो सबसे पहले हम सर ये जानने चाहेंगे कि बिहार और झारखंड के वातावरण में और मार्केट के हिसाब से कौन सा सर ब्रीड अच्छा रहता है सर गाय पालन में? हाँ देखिए, किसान भाई आप लोग को बता दें कि जैसे कि सुधीर जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप लोग को बताए कि किस तरह का ब्रीड जो पाला जाए जो इसे लाभदायक हो, इकोनॉमी हमारा ज़्यादा बढ़े। तो कहने का मतलब इनका साफ साफ है कि उस तरह की जाति के प्रजाति को पाला जाए जो हमारा बिहार झारखंड में सर्वाइव करता हो। सर्वाइव दैट मीन्स कि जो है ना उस गाय को हमारा क्लाइमेट यहाँ का वातावरण में वो बढ़िया से रह सके। जैसे कि हमारे जो देसी गाय साहिवाल, गिर, थरपारकर, ये सब गाय जो है ना हमारा यहाँ का क्लाइमेट से पूरा किया हुआ है। तो इसमें जो है ना क्या होता है कि 10 लीटर से अधिक, ये जो आपने सुधीर जी आपने क्वेश्चन किया था कि 10 लीटर से जो है ना जब भी किसान फार्म करे कि 10 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय को ही हम पालेंगे तो आपको फार्म में कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि गिर, साहिवाल, थरपारकर, ये सब जो है ना ब्रीड जो हमारा देसी है ये 10 लीटर से ऊपर दूध देती है। तो 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर इस ब्रीड को हमारा विदेश भी ले जा रहा है। इस पे सबसे बड़ा क्षमता ये है कि रोग प्रतिरोध क्षमता जो हमारा देश ये दूध में है, इस ब्रीड में, देश का, हमारा देश के ब्रीड में ये जो है ना रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा है बनिस्पत की विदेशी ब्रीड जैसे कि जर्सी, होस्टिन फ्रीजियन। इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे झारखंड बिहार में सुधीर जी ने कहा कि झारखंड बिहार का क्लाइमेट उसके लिए नहीं है, है तो 50% है जो दूध 60 लीटर देती है, जो हमारा झारखंड बिहार आते आते उसका जेनेटिक गुण 50-60% रहता है, जो आपको 15 से 20 लीटर 25 लीटर, कोई कोई गाय एक्सेप्शनल जो है ना आपका 30 से 40 लीटर देगी। लेकिन ये ध्यान कोई किसान नहीं देते हैं कि खाने पीने वाला, जैसे कि कहा कि सर जो बेच देते हैं दूसरा डाइवर्ट हो जाते हैं कि दूसरा किसान कि हम नहीं गाय में घाटा है, तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है। इसको क्या करना है कि ये जो गाय है इसको 3 लीटर दूध में 1 किलो अनाज अवश्य देना है। यानी कि यदि 10 केजी दूध दे रही है तो 3 केजी अनाज, यस 3 किलो अनाज उसको देना है। क्योंकि खून जो बनता है ये हमारा शरीर के खून से दूध बनता है, तो खून जब शरीर में हमारा ज़्यादा बनेगा तो दूध भी हमारा वो ज़्यादा देगी। कौन गाय? दुधारू गाय, जिसके वजह से हम नाम लिए। तो ये गाय उस गाय में जो विदेशी गाय में है कि बीमारी भी ज़्यादा होती है। तो किसान भाई को ये ध्यान देना जरूरी है कि जो क्लाइमेट है जो हमारा देश का या जो हमारा बिहार झारखंड का इन्होंने कहा, तो बिहार झारखंड के लिए स्पेशल जो है ना साहिवाल जो है ना बहुत बढ़िया है, गिर बहुत बढ़िया है। आपका हमारा यहाँ किसान जो है ना जहानाबाद में करीब करीब 27 लीटर तक दूध लिया है गिर और साहिवाल से। सर जैसे सर जो फ्रीजियन गाय कर सुनते हैं तो सर जो नया नया किसान रहेंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो सर रेट में क्या रहता है, एक क्या रेट रहता है, एक एवरेज उतर इलाका वाइज कुछ वेरी करता है? और सर जो फ्रीज का कि गाय का सर, क्योंकि जो नया किसान आएगा अपना बजट देखेगा। देखिए
किसान जो व्यवसाय यहाँ पे कर रहा है तो वो दूध पे डिपेंड करता है, दूध का 5% और दूध कि अगर कोई गाय दे रही है उसका जो दूध देता है तो किसान जो लेता है तो दूध देख के देखता है कि जो प्रति 3 किलो में या 1 किलो में 3,000 करके इस तरह करता है। तो आपको जो देसी गाय है, प्योर देसी गाय है, आपको 60-70 हज़ार में जो 10 लीटर से ऊपर दे रही है, 60-70 हज़ार में आपको बढ़िया है, 10 लीटर से ऊपर दे रही है। जबकि यही क्रॉस गाय जब है, साहिवाल छोड़ के जब विदेशी गाय जिसका हम बात करते हैं, होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी का, तो ये जो है ना आपको 20 लीटर अगर दे रही है, 20 या 25 लीटर दे रही है, तो आपको वो लाख से ऊपर लेगा, वो लाख से ऊपर लेगा या लाख के आसपास, 90 हज़ार 1 लाख तक आपको उसको गाय आएगा, लेकिन 20 लीटर से ऊपर होना चाहिए। तो अगर उससे नीचे आ रहा है तो फिर वो भी रेट उसका 50-60 में आ जाएगा। तब तो सर इस हिसाब से कंपेरिजन किया जाए तो हमारा देसी गाय ही सबसे अच्छा है। हाँ। जो जैसे कि आप थारपारकर बता रहे हैं, गिर साहिवाल बता रहे हैं, हाँ। तो यदि इन बातों का ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि आप लोग सफल हो सकते हैं। और ब्रीड का सिलेक्शन आपका बहुत बड़ा मायने रखता है, यदि गलत सिलेक्शन कीजिएगा तो फिर वही बोलिएगा फायदा नहीं हो रहा है। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, 3 केजी दूध पर बता रहे हैं 1 केजी आप दाना खिलाइए, तो क्या ये दाना का विकल्प हरा चारा नहीं हो सकता है? कुछ हरा चारा ऐसा खिलाएं कि सस्ता पड़े? उसको एक विशेष ट्रेनिंग के द्वारा, जैसे कि हमारा किसान जो है ना, जो अननोन होता है कि क्या खिलाना है, जैसे हम जानते हैं कि उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइट, विटामिन्स, जैसे कि आपने हरा चारा क्या, तो हरा चारा गाय का जो होता है रूमिनेंट होता है, पेट जो होता है रूमिनेंट होता है, उसको तो हरा चारा देना ही है। तो हरा चारा में जैसे उसके पानी भी होता है ना, कैल्शियम फॉस्फोरस भी होता है, जैसे कि बहुत सारा चारा रिसर्च करके देखा गया है, जैसे आप जानते होंगे कि बरसीम होता है, जई होता है, सोरगम होता है, ठीक है, तो इस तरह के रिसर्च करके देखा गया इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ साथ पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, इससे पानी बॉडी में जाता है, 85% पानी होता है, तो उस पर कुछ बीमारी होने नहीं देता है। लेकिन जो यही गलती किसान करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हम दाना केवल खिलाएंगे, हरा चारा नहीं खिलाएंगे, तो हरा चारा हमको 20 केजी से 25 केजी देना है, पानी एडलिव, पानी जो है ना हमको जितना पीना है, दाना के अलग, ठीक है। सर तो एक एक एक, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, यदि मान लीजिए कि हम गरीब किसान हैं और दाना खरीदने में सक्षम नहीं है, मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए, तो क्या जैसे कि हम कुछ घास का नाम सुने हुए हैं, नेपियर है, मोरिंगा है, तो क्या सर ये सब खिलाकर दाना की पूर्ति नहीं, क्या दाना खिलाना बिल्कुल जरूरी ही जरूरी है? देखिए वो दाना जैसे कि हम बोले ना कि ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड जो हमारा जो होता है, खून जितना बनेगा उतने ही दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो दाना में हम लोग खिलाने के मेन पर्पस है कि उसको प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, दूध को बढ़ाना है, हरा चारा के साथ साथ बढ़ेगा, नो डाउट, उस पर जितना दूध दे उसका कैपेसिटी है। मान लीजिए कि हम जैसे साहिवाल का बोले, तो साहिवाल का एवरेज हमारा 10 से 15 लीटर है, तो 10 से 15 लीटर में ही आप लिमिट हो जाएंगे। दूसरी बात जैसे कि अगर कैल्शियम नहीं खिलाएंगे, तो कैल्शियम नहीं खिलाएंगे, मिनरल नहीं खिलाएंगे, तो मिनरल नहीं खिलाएंगे साथ साथ जो है ना कुछ अनाज नहीं खिलाएंगे, तो ये क्या होगा कि बॉडी में कुछ डिफिशेंसी आ जाएगी। जैसे कि दूध जो है ना हड्डी, खून से बनता है, खून कहाँ से बनता है? बोन मेरो से, मज्जा से। तो हड्डी जब कमज़ोर हो जाएगी तो गाय को क्या होगा कि मिल्क फीवर बीमारी आ जाए, तो बैठ जाएगी, तो फिर उठाना में फिर खर्चा पड़ जाएगा। तो ये किसान को ध्यान रखना है कि मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम अवश्य खिलाएं, खास करके दुधारू गाय को। बहुत ही मार्केबल बात सर बता रहे हैं, इसको जरूर आप लोग सुन रहे हैं तो कॉपी में नोट करेंगे। इसका डोज भी बता दे रहे हैं कि 50 ग्राम पर डे, प्रत्येक दिन 50 ग्राम देना है, ज़्यादा नहीं देना है जी। तो जिसके चलते कि जैसे कि जो बॉडी में जैसे बहुत सारा विटामिन है तो वो उसको फुलफिल करता है, और कैल्शियम 50 ml उससे ज़्यादा नहीं देना है, वो नहीं दे, अगर ज़्यादा देंगे तो कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो हमको ज़्यादा नहीं देंगे, ये डोज है। वो रिसर्च करके देखा गया है कि पूरे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च किया है कि 50 ml मिल्क जो है ना, इसको जो है ना मिल्क फीवर ना हो तो कैल्शियम की मात्रा उसको खिलाना है। सर बहुत अच्छा जानकारी दिए, जैसे कि नस्ल का चुनाव कौन सा करें, खान पीन का कैसा व्यवस्था रखें, ताकि आप कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव यानी कि दूध का उत्पादन कर सकते हैं। घास के साथ साथ सर मिनरल मिक्सचर और दाना भी जरूरी बताए, लेकिन सर एक समस्या और आता है, अक्सर गांव में देखते हैं जानकारी के भाव में किसान लोग अक्सर नुकसान उठा लेते हैं। देखा जाता है कि अक्सर सर गाय हीट में आई, लोग सर सीमेंट चढ़ाते हैं या चढ़वाते हैं, सीमेंट चढ़ा फिर से हीट में आ गई, फिर सीमेंट चढ़ा, यानी कि बार बार सर वो रिपीट कर रही है। यदि सर इसका मेन कारण क्या रहे, यदि पहले से सावधानी कुछ बरत लें तो इस टाइप की समस्या हम समझते नहीं आएगा, तो लोग घाटे से बचेंगे। हाँ सुधीर जी, ये मार्केबल क्वेश्चन है कि अभी जो हमारे किसान भाइयों के यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या, अगर 50 से 60% कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समस्या ज़्यादा है। ये किसान भाई जो है ना, किसान भाई को ये समस्या जो है ना
झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम कहते हैं किसानों को, जब आप बताते हैं प्रशिक्षण में कि प्रत्येक साल एक बाछा लेंगे या बाछी लेंगे तो आपका गाय स्वस्थ रहेगी और दूध भी सही देगी, लेकिन वो क्या होता है कि जो 30 बार 40 बार 50 बार वो हीट में आती है लेकिन वो बच्चा नहीं रख पाती, तो 2 साल 3 साल तक जो है ना किसान दूध लेते रहता है, छोटा कम दूध देती है लेकिन दूध लेते रहता है लेकिन उसके कंसीव नहीं कर पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है ना कारण है, इसको हम बीमारी को बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग जी, है ना। जो उस गाय में अंडाणु गर्भाशय का, जैसे कि अभी आपको हम बोले मिनरल मिक्सचर का, तो गर्भाशय में क्या होता है कि अंडाणु का फूटना, डेली अंडाणु अगर नहीं फूटेगा तो इसमें सबसे दिक्कत है कि जब दूध ज़्यादा किसान लेता है, बच्चा दी और दूध ज़्यादा लिया, तो दूध ज़्यादा लिया तो खून उसके ज़्यादा आएगा, मिनरल्स ज़्यादा आएगा, और उसके बाद उसी के बाद तीसरा महीना में, यानी तीसरा महीना 60 से 90 दिन में तुरंत गर्म होना होता है गाय को, तो उस समय जब प्रोटीन की मात्रा अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो गर्म नहीं होगा। तो गर्म अगर हो जाता है लेकिन अंडाणु जो गर्भाशय से निकलता है वो निकल नहीं पाता है, तो क्या होता है कि गाय एक बार रिपीट कर वो जो सीमेंट डाला लेकिन अंडाणु नहीं निकला तो फिर वो जो कंसीव नहीं की, मेल फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसके चलते वो समस्या आया। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है मिनरल्स का, जो मिनरल डिफिशियंसी होगा तो आपको वो प्रॉब्लम आएगा, जो मिनरल्स का नहीं खिलाते हैं, दूध लेते हैं लेकिन मिनरल नहीं खिलाएंगे तो उसमें समस्या आता है। दूसरा कि आपने कहा कि एक क्वेश्चन कहा कि सर कैसे पहचानेगा, जी सबसे बड़ा प्रश्न देव है कैसे पहचानेगा, हाँ। और किसान भाई आपको ये सीखने को जरूर मिल रहा होगा कि गाय में मिनरल मिक्सचर की कमी नहीं होने दीजिए, नहीं तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगा ही आएगा, और यदि आ रहा है तो गाय को दोष नहीं दे सकते हैं, दोष आपका होगा क्योंकि आपने मैनेजमेंट में कमी की। दूसरा कि कैसे पहचाने कि मान लीजिए गाय जो है ना गर्म हो गई, जी गर्म हो गई तो उसका निगार, जैसे कि आप बताए कि इसका कैसे पहचानेगा, तो निगार सभी किसान जब लगभग जो जानते हैं, जो घर में किसान जो गाय गोरू रखते हैं वो सभी जानते हैं कि लसलसा टाइप का होता है, जो इसका जो है ना एक टूटता नहीं है रस्सी में, जब नीचे जमीन के नीचे गिरता है लसलसा पदार्थ निकलता है तो वो रोपी टाइप का टूटेगा नहीं, वो जो है ना देखिएगा एकदम शीशा की तरह ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा उस पर, तो वो होगा कि सही है, यानी कि बिल्कुल शीशा की तरह ट्रांसपेरेंट पारदर्शी रहेगा तो बिल्कुल सही है, लसलसा गिरेगा नीचे वो गिरेगा नहीं टूटेगा नहीं। लेकिन यही चीज़ अगर पानी आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है या पीलापन करके आ रहा है तो समझ लीजिए कि गाय में गर्भाशय में इन्फेक्शन है। ये बहुत मार्केबल सर बात बताए हैं कि ये आप कलर देखकर पहचान सकते हैं कि गर्भाशय में इन्फेक्शन लग चुका है या नहीं लग चुका है, तो सर आगे उस कंडीशन में तो इस कंडीशन में क्या करना है कि सीमेंट नहीं डलाना है आपको, एंटीबायोटिक से जो आपको एंटीबायोटिक गर्भाशय में उसको ट्रीटमेंट करवाना है, उसके बाद सीमेंट डलाना है। आपका एआई वर्कर जो क्या करेगा कि एआई वर्कर तो उसको तो लाना है, आएगा बुलाए हैं तो बोलेगा सर सीमेंट तो डाल के ही जाना है जैसे भी हो, लेकिन वो समय आप जो है ना आप पहचान जाइए कि मेरा गाय का इन्फेक्शन है तो आप सीमेंट के लिए देने वाला को आप नहीं बुलाएं, तो सब सावधान रहेंगे आगे से, किसी जो जानकार डॉक्टर हैं उनसे बुला के उसको ट्रीटमेंट करा लें। तो सर हम तो सावधान करना चाहेंगे किसान भाइयों को कि पहले आप निगार का कलर पहचानिए, उसके बाद ही एआई वर्कर को बुलाइए, नहीं तो होगा यही कि इन्फेक्शन फैल चुका है और एआई वर्कर आएंगे और अपना पैसा लेने के चक्कर में आपको कुछ बताएंगे नहीं। कलर पहचान कर डॉक्टर से संपर्क में जरूर आएँ। बारिश आने वाली है सर, थोड़ा सा शेड में चले आते हैं, थोड़ा सा इंद्रदेव बरसने लगे थे, बारिश होने लगी थी उसके वजह से व्यवधान पैदा हो गया, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम लोग हैं, और अभी एक शेड के नीचे आके हम लोग बैठ गए हैं। तो सर एक जिज्ञासा हमारे मन में थी, किसान भाई अक्सर उसके कारण नुकसान में चले जाते हैं कि डिलीवरी के समय पेन हो रहा है, हालांकि टेक्निकली हम लोग जानते हैं सर, चूँकि एनिमल हेल्थ वर्कर हम हैं और सर अब तो खैर हमारे गुरु ही हैं, एक जानकारी आप लोग को दे रहे हैं कि आज जो भी हम हैं इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि हमारे सर हैं और हमें जो भी प्रशिक्षण मिला है सर की बदौलत ही मिला है और हमें यही गाइड किए हैं। तो सर मान चला कि बच्चा उल्टा है, किसान को पता नहीं चल पा रहा है और उसके कारण बच्चा सर अंदर ही मर जाता है, या जानकारी के अभाव में वो डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पाता है, तो सर कैसे वो पता करे कि बच्चा उल्टा हो गया है और जल्द से जल्द वो डॉक्टर के संपर्क में वो आए। देखिए ये आप लोग को प्रशिक्षण में भी बताए हैं कि गाय का और भैंस का, ये दोनों का आप लोग को किसान भाई को रखना चाहिए दिमाग में कि कितना दिन रखता है पेट में। जब बच्चा जो है ना, बच्चा आपको 280 दिन ठीक है, और भैंस में 310 दिन, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि पेट में बच्चा 9 महीना हमारा रहता है और उस पर क्या होता है कि 280 दिन जो बताया तो प्लस माइनस 10 दिन आगे पीछे चलेगा,
ये हो गया कि गर्भाशय में उतना दिन बच्चा पेट में रहता है, अब भैंस में 310 दिन रहता है, तो ये जितना भी किसान भाई इसका इसको तो रखना दिमाग में रखना है। और जैसे जैसे जो कह रहे हैं सुधीर जी कि आप जो कैसे पहचानेंगे कि बच्चा देने वाली है, पहला बात आपको ये दिमाग रखना होगा, तो बच्चा देने वाली है तो आपको सबसे पहला होगा कि थन का विकास हो जाएगा। लास्ट महीना जब चलेगा बच्चा निकलने वाला होगा तो लास्ट महीना में बच्चा का थन का विकास होगा, शरीर जिसको योनि बोलते हैं योनि का फैलाव होगा, कुछ डिस्चार्ज निकलेगा, और थर्ड जब देखेंगे जिसको गांव घर में किसान बोलते हैं पुट्ठा, उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं, कि दोनों ये जो पूछ के ऊपर में जो होता है वहाँ पे गड़ा धसेगा, मतलब लिगामेंट जो है ना उसको नर्व जो है ना क्या होता है कि धसता है, बोन फैलता है, तो रास्ता खुलने के लिए उसका लक्षण है, ये ध्यान देना है। और दूसरी बात आप कहे कि जो कैसे पहचानेंगे कि जानवर जो बच्चा ये उल्टा है, तो इसका सबसे बड़ा पहचान है कि जब नॉर्मल पोजिशन में रहेगा तो दोनों अगला पैर के ऊपर में माथा रहेगा, नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं कि आगे दोनों पैर रहेगा उसके ऊपर में क्या रहेगा माथा, लेकिन आप कह रहे हैं कि उल्टा, तो उल्टा जब आएगा तो जो पिछला पैर रहेगा तो पिछला पैर रहेगा तो पिछला पैर रहेगा तो उसमें माथा नहीं आएगा, तो उसमें यही में किसान इनका कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या करता है कि कंपाउंडर लोग जो है ना खींच देता है जानवर को और मरा देता है, क्योंकि पैर फंसा हुआ है माथा फंसा हुआ है। क्षमा चाहेंगे सर, कंपाउंडर तो खींच लेते हैं सर, लेकिन किसान कैसे जान पाए कि बच्चा उल्टा है सर, तब ना डॉक्टर संपर्क में आएगा। वही बता रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा ये था कि किसान जैसे कि जो माथा फंसा हुआ रहेगा, जैसे हम बोले ना कि दोनों अगला पैर के बाद माथा रहेगा, लेकिन अगर पिछला पैर है तो पिछला पैर है तो उस पर जैसे कि जो माथा नहीं नजर आएगा, लेकिन कैसे पहचानेगा, तो पिछला पैर रहेगा तो जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, तो ये हाथ है तो अगला पैर में हम क्या बोले कि दोनों ये अगले पैर का हुप जो होता है वो नीचे रहेगा और ऊपर में माथा रहेगा, अब पिछला पैर रहेगा तो जस्ट इसका उल्टा ऐसे रहेगा, जो उसका हुप जो रहेगा मतलब नीचे वाला खुर जो बोलते हैं वो क्या रहेगा उल्टा रहेगा, तो अब केवल दोनों पैर आएगा माथा नहीं आएगा। और दूसरा, जब अगर हाथ से लाइफ बॉय साबुन से या ग्लव से तो ग्लव से, या आपके पास जो है ना डिटोल साबुन से नहीं करेंगे क्योंकि लहरता है, लाइफ बॉय या नारियल तेल से या ग्लव्स मिल जाता है तो बढ़िया, उससे हाथ से जब पालपेट करेंगे तो पूंछ मिलेगा। पालपेट का हिंदी सर बताया जाए, उसको हम लोग कहते हैं कि मल द्वार जो है ना जहाँ पे रास्ता है उसको मल द्वार के नीचे जो शरीर में उसको हाथ से चेक करेंगे, तो शरीर से चेक करेंगे तो पूंछ मिलेगा आपका, पूंछ मिलेगा, तो पूंछ मिलेगा तो समझ लीजिए कि हमारा ये कौन पैर है, पिछला पैर है ना। अगर माथा मिलेगा तो माथा कहीं फंसा हुआ होगा, चाहे बायां होगा या दायां होगा, तो समझ लीजिए कि हमारा अगला पैर है। तो पोजीशन, लेकिन नॉर्मल जो बच्चा देने का पोजीशन होता है दोनों अगला पैर और माथा होता है। यानी कि सर किसान जब देखे कि डिलीवरी का देर हो रहा है तो लाइफ बॉय साबुन से हाथ धो ले या ग्लव्स है अंदर हाथ लगाए, यदि पूंछ मिला तो बच्चा उल्टा है। या अगला पैर खुर नहीं मिला उल्टा है तो बच्चा उल्टा है, खुर का उल्टा होना है, तो उस कंडीशन में आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें, यही सलाह दिया जाता है। तो सर ये सब जानकारी के लिए यदि कोई किसान जानकारी लेना चाहे तो सर कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग उसको मिल सकता है, प्रशिक्षण मिल सकता है, ताकि वो ये सब उसके यहाँ दुर्घटना नहीं घटे और उसको हानि कम से कम हो, उसकी इनकम में वृद्धि हो, तो सर कृपया इस पर डिटेल्स बताया जाए। देखिए किसान भाई, जैसे प्रशिक्षण के लिए हम पहले भी बताए कि दो तरह के प्रशिक्षण है, कि आपको नॉलेज लेना है कि बुद्धि लेना है, तो वो एक प्रशिक्षण हो गया, एक होता है कि सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो सर्टिफिकेट कोर्स में जैसे कि आपको लेना है जिसे आप लोन का प्रोवाइड करना चाहते हैं कि लोन लेके आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल ट्रेनिंग लेना है तो आपको हर एक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ एक पशु चिकित्सक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा 2 दिन का 5 दिन का एक कौशल विकास, जैसे सुधीर जी ने किया है कौशल विकास हेल्थ वर्कर का, तो जिसके चलते इनको बहुत सारा नॉलेज हो गया, तो उसी तरह का जैसे कि आपको ही जो है ना हेल्थ स्किल डेवलपमेंट वाला जैसे कि कौशल विकास का प्रशिक्षण या 5 दिन का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में, या आपके बिहार में पटना में जो है ना बिहार वेटनरी कॉलेज है वहाँ भी जा सकते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि कहते हैं कि जिला पशुपालन विभाग, वो बीच बीच में किसानों का जो जागरूक किसान होते हैं उनको जो है ना ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि आपको पूरे भारत में बरेली है, IBRI है, NDRI करनाल है, तो इस तरह के किसानों को भेजते हैं, यानी दूसरा राज्य भी भेजते हैं, लेकिन आपको जागरूक जो लेना चाहेंगे प्रशिक्षण उस पर। लेकिन जैसे कि कुछ देखिए, एक चीज़ इस पर प्रशिक्षण में बताना चाहूँगा कि कुछ प्राइवेट एजेंसी भी पैसा देती ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उससे ट्रेनिंग ना लें, क्योंकि वो को आपका दिन को बर्बाद करेगा, कोई अच्छा प्रशिक्षण देने वाला नहीं मिलेगा, ऐसे बोल देगा कि कोई डॉक्टर आया हुआ है, उसके आप आईडी भी नहीं पूछ सकते हैं,
वो एक महीना का 15 दिन का ट्रेनिंग दे देगा, उसके आपको गवर्नमेंट वैलिडिटी नहीं होगा। इसलिए जब भी ट्रेनिंग करें तो आप लाइन ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि जो जिला पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र या वेटनरी कॉलेज या कोई ऑर्गेनाइज, जैसे एनजीओ भी होता है, तो जिसका क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर सही है उसका कि बिहार सरकार से टाई अप है, तो उसको बिहार सरकार से या झारखंड सरकार से टाई अप है, उसका रजिस्ट्रेशन किया है, तो उससे आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, उसके तहत आपको लोन में फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका सर्टिफिकेट कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे व्यूअरों को आप इतनी अच्छी नॉलेज दिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक किया जाए। और एक जानकारी आपको और दे दे रहा हूँ, मैं खुद कृषि विज्ञान केंद्र का प्रोडक्ट हूँ, वहीं से मैं ट्रेनिंग लिया हूँ और इन्हीं सर के माध्यम से हमें मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहा, और न जाने कितने सुधीर कुमार को सर ने पैदा किया। और जो भी हम, चूँकि हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के खुद हैं, तो जहानाबाद के फार्मर के लिए हम बोलना चाहेंगे, उन लोगों को किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़े तो आप निसंकोच कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद, जो कि बंधुगंज के पास ही बिल्कुल बगल में है, वहाँ आएँ और सर से मिलें, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा जानकारी दिया जाएगा। धन्यवाद।